वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में कुछ और चीज़ें सीखने वाले हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। आज हम लोग ये सीखेंगे कि हमें 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है और 2 डिजिट के साथ 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। और हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे वर्टिकली क्या होता है, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है और वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है और हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। सो सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्या होता है। सो जब आप छोटे होते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको बहुत इजी वे में वर्ड सिखाए जाते हैं, बट जैसे जैसे बड़े होने लग जाते हैं उस तरह से आपको उसके साथ साथ में आपको न्यू वर्ड्स आने लग जाते हैं। तो कुछ वर्ड्स का मीनिंग सेम होता है बट क्योंकि वर्ड न्यू आए होते हैं और बड़े बड़े वर्ड्स आए होते हैं तो आप घबरा जाते हैं कि ये क्या है। सो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझिए, बहुत ईजीली आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है स्लीपिंग वे में और वर्टिकली का मतलब होता है स्टैंडिंग। आपने बचपन से, नर्सरी से या प्ले हाउस से आपने ये लाइन सीखी होगी, इसको बोलते हैं स्लीपिंग लाइन, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, स्लीपिंग, एंड वर्टिकल का मतलब होता है स्टैंडिंग। तो इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और इसको वर्टिकल बोलते हैं। ओके, सो घबराने की जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल मतलब स्लीपिंग एंड वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग। ये कई जगह पर आपको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी कि हॉरिजॉन्टल वर्ड एंड वर्टिकल वर्ड आपको कई जगह पर आएगा, जैसे ज्योमेट्री में भी आने वाला है, फिर आगे बढ़ के ग्राफ में भी आने वाला है। सो घबराना नहीं है, बस इन वर्ड्स को लर्न कर लेना है और फैमिलियर हो जाना है इससे, ठीक है। तो वैसे ही देखो आप, ये जो सम है ये क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन में है इसलिए इसको हम वर्टिकल बोलते हैं और ये स्लीपिंग पोजीशन में इसलिए हम इसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। सेम वे में स्टैंडिंग पोजीशन में है वर्टिकल, स्लीपिंग पोजीशन में है हॉरिजॉन्टल। स्टैंडिंग वर्टिकल, स्लीपिंग हॉरिजॉन्टल, स्लीपिंग हॉरिजॉन्टल, स्टैंडिंग वर्टिकल, ठीक है। तो आपकी बुक में भी अगर इस तरह से दिया होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमें करना सेम ही होता है सबके अंदर, सिर्फ थोड़े से चेंजेस होते हैं और सिर्फ प्रेजेंटेशन में डिफरेंस होता है। सो लेट अस स्टार्ट विथ दिस फर्स्ट 2 डिजिट विथ 1 डिजिट। हम लोग सबसे पहले देखेंगे 2 डिजिट के नंबर को 1 डिजिट के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो आप लोग सबने टेबल्स तो लर्न कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ टेबल लर्न कर लीजिए, और अगर टेबल लर्न नहीं करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आप नहीं कर पाएंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपरली और आपके सम्स रॉन्ग होंगे। सो इसमें मेहनत करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप टेबल में मेहनत कीजिए, इसको आपको सिर्फ समझना है और अल्टीमेटली अप्लाई तो आपको टेबल ही करने हैं यहाँ पर। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने टेबल के वीडियोज़ भी पहले डाले हुए हैं, सो काइंडली वॉच दैट वीडियो, और आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट, अगर हमें 2 डिजिट विथ 1 डिजिट मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने 1 डिजिट लिया है और यहाँ पर 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट विथ 1 डिजिट हमें मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, 2 का टेबल करेंगे कितनी बार, 4 टाइम्स करना है, 2 का टेबल 4 टाइम्स। तो 2 4s are 8, ये हमने टेबल में किया हुआ है, 2 4s are 8, 2 2s are 4, मतलब पहले हमें इससे करना होता है मल्टीप्लाई और उसके बाद इससे करना होता है, मतलब ये 1s का प्लेस है और ये 10s का प्लेस है, ये आपने ऑलरेडी नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा। और अगर नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम है तो वंस एंड टेंस में प्रॉब्लम है तो आप उसके भी वीडियोस देख सकते हैं, वो भी वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, वंस एंड टेंस और नंबर सिस्टम किस तरह से अच्छे तरह से समझने हैं। तो ये वंस का प्लेस है और ये टेंस का प्लेस है, तो हमें हमेशा इधर से स्टार्ट करना है, मतलब अपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वंस के प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे फिर टेंस के प्लेस से, ठीक है। हमने कैसा किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 किया है पहले, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया है। सो 2 4s are 8 एंड 2 2s are 4, तो आंसर इज 48। ये भी सम आपको मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ, ये भी बहुत ईजी है, सेम वे में करना होता है, इसको सबसे पहले हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 4s are 8 एंड 2 2s are 4, आंसर सेम आया है,
सेम तरीके से हमने सॉल्व भी किया है इसको। अब हम आगे बढ़ेंगे, कोई भी सम हो आपका, इस तरह के कोई भी सम हो आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। और करना ही क्या है आपको, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये आपके लिए इजी होता जाएगा। और जिस समय आपको जो चीज़ सिखाई जा रही है, जैसे अभी मल्टीप्लिकेशन का चैप्टर अगर चल रहा है, तो उसी समय उसको क्लियर कर दीजिए। थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, आधे घंटे ज़्यादा बैठ कर प्रैक्टिस कर लीजिए। सो टाइम वेस्ट मत कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके आगे के क्लासेस में आगे जो आने वाली चीज़ें हैं ना वो इजी हो जाएगी। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन की जरूरत आगे आपको और पढ़ने वाली है, जब आप मनी चैप्टर, टाइम चैप्टर ये सब पढ़ोगे तो यही सब आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही सब पढ़ना होता है। तो ये है बेस, मैथ का बेस है, तो ये आपको क्लियर करना ही करना है। सो इसमें थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए, लॉन्ग टर्म तक ये आपको काम आने वाला है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थ्री डिजिट के साथ वन डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम वे में हमें सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व, अब यहाँ पर हमारे पास कैरी ओवर आया है, फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व, और कैरी क्या करना है, ट्वेल्व में हमारे पास ये जो ट्वेल्व आया है इसका वंस का प्लेस, वंस एंड टेंस का जो प्लेस है, हमेशा हमें वंस का प्लेस लिखना होता है और टेंस का प्लेस कैरी ओवर करना होता है। जिस तरह आप एडिशन में करते थे उसी तरह आपको यहाँ पर कैरी ओवर करना है। ठीक है, अब हमारा यहाँ का काम खत्म हो चुका है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, फोर जीरोज आर लेना है। अब मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया था कि फोर जीरोज आर क्या होगा, जीरो, क्योंकि फोर जीरोज आर फोर नहीं होता है, फोर प्लस जीरो फोर होता है, बट फोर जीरोज आर जीरो होता है। ये मैथ का रूल है, मल्टीप्लिकेशन का रूल है, अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, जीरो। ठीक है, सो जो आपने एडिशन में सीखा था कि जीरो प्लस फोर इज इक्वल टू फोर, वो आपको यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। मल्टीप्लिकेशन का अलग रूल है, फोर मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो। अब हमारे पास क्या है, जीरो, और अब हम क्या करेंगे, जीरो में ये जो कैरी ओवर है इसे हमें ऐड कर देना है। तो जीरो प्लस वन, यहाँ पर वो एडिशन वाला रूल आ जाएगा, जीरो प्लस वन वन, और यहाँ पर आंसर हम लिखेंगे वन। नाउ ये हमने कर लिया, ये दो नंबर कर लिया है। अगर आपको कभी कन्फ्यूज़न होता है, कई बार होता है बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली जो है नंबर कट कर दीजिए कि ये हो गया, ये हो गया, अब हमारे पास सिर्फ ये बचा है। तो फोर फोर ज़ार सिक्सटीन, ठीक है, फोर फोर ज़ार सिक्सटीन सिंपली लिख देना, और ये भी हमने ले लिया है इसलिए इसको भी आप कट कर दीजिए। ठीक है, फोर फोर ज़ार सिक्सटीन, द आंसर इज़ 1612। अब हम आगे बढ़ेंगे, और इसे हमने वर्टिकली सॉल्व किया, अब हम इसे एक बार हॉरिजॉन्टली भी सॉल्व कर लेते हैं द सेम वे में। फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व, टू लेंगे यहाँ पर एंड वन यहाँ पर। यहाँ मैंने क्यों लिखा, इसके ऊपर ही लिखिए, इससे क्या होगा आपको याद रहेगा कि किसके साथ आपको ऐड करना है, मतलब जीरो के साथ आपको वन को ऐड करना है, इसलिए मैंने इसके ऊपर ही लिखा है। फोर मतलब फोर के साथ, मतलब कि इसके साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन, अभी तो जीरो है बट आगे और भी कोई नंबर आ सकता है, तो इसीलिए इसके ऊपर लिखे ताकि आप यहाँ पर ऐड करना भूले नहीं। फोर जीरो ज़ार ज़ीरो प्लस वन, तो वन, फोर फोर ज़ार सिक्सटीन। देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में दोनों में आंसर सेम आया है। अब हम देखेंगे फोर डिजिट को वन डिजिट के साथ में किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। सो फोर डिजिट को भी सिंपली इसी तरह मल्टीप्लाई करना है, बट क्योंकि ज़्यादा नंबर होते हैं तो कई बार क्या होता है कि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करनी है, आराम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, फाइव नाइन ज़ार फोर्टी फाइव, फाइव एंड फोर वी विल कैरी, ओके, एंड ये नंबर हमने कर लिया है, इसको कट कर दीजिए। फाइव सिक्स ज़ार थर्टी, थर्टी और प्लस फोर करना है, ठीक है, ये वाला फोर ले लेना है, थर्टी फोर, आंसर हमारा थर्टी फोर है। तो यहाँ पर से थर्टी फोर में से हम फोर लिखेंगे, मतलब वंस के प्लेस का नंबर, और थ्री कैरी करने वाले हैं, ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, फाइव थ्री ज़ार फिफ्टीन, ठीक है, फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन, एटीन में से हम एट लिखेंगे और वन कैरी करेंगे, ठीक है, एटीन का एट लिखना है और वन कैरी करना है, ये नंबर हो गया, ये भी हो गया। अब फाइव वन ज़ार फाइव, फाइव एंड प्लस वन, क्या हुआ आंसर, सिक्स, फाइव प्लस वन सिक्स,
ओके सो इस तरह से आपको सम्स सॉल्व करने हैं, और जो नंबर हो जाते हैं उसको कट कर देने से क्या होगा कि आपको याद रहेगा कि हमने यहाँ तक कर लिया, अब हमें आगे बढ़ना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अभी हमने वर्टिकल देखा, अब हम और हॉरिजॉन्टल भी देख लेते हैं, और ये भी सेम वे में करना है, फिर भी एक बार मैं आप लोगों को करके बता देती हूँ। 5 9s are 45, 5 यहाँ लिखेंगे, 4 कैरी करेंगे और ये नंबर कट कर लेंगे। 5 6s are 30, 30 plus 4, 34 का 4 लिखना है और 3 कैरी करना है, ठीक है, ये हो चुका है, कट कर दीजिए। 5 3s are 15, 15 plus 3 18, 18 का 8 लिखना है और 1 कैरी करना है, ठीक है, ये नंबर भी हो गया, कट कर दीजिए। 5 1s are 5 plus 1 6, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इस तरह के नंबर आपको दिए गए होते हैं, हॉरिजॉन्टल बोला जाता है कि हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, बट आपको वर्टिकली में प्रिपेयर करके फिर उसको सॉल्व करना है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल है, ये नंबर इस तरह दिया है तो इस तरह आप इसको खुद से ही कन्वर्ट कर लीजिए और इसको आप इस तरह से सॉल्व कर दीजिए इस वे में बनाकर, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया और आपको मल्टीपल चॉइस के लिए आंसर्स दिए गए हैं, तो आपको जो वे इजी लगता है उस वे में आप इसको सॉल्व करके आंसर को टिक कर सकते हैं। बट अगर एक्सप्लेनेटरी वे में पूछा गया है कि इसको डिटेल में आपको लिख करके बताना है, तो आपको सेम टू सेम वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होते हैं जो क्वेश्चन में दिए गए हैं, ठीक है। बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ट्रू फॉल्स, उसमें आपको अपने अपना जो भी इजी मेथड होता है आप उसको फॉलो करके आंसर निकाल सकते हैं। बट उसमें भी एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको तुक्का नहीं मारना है, आपको अक्कड़ बक्कड़ नहीं करना है, ट्रू फॉल्स नहीं करना है। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोलना चाह रही हूँ कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना बेटा, तो आपके लिए आगे चीज़ें और हार्ड होती जाएंगी, ठीक है। सो डू प्रैक्टिस, घबराना नहीं है प्रैक्टिस से। अब हम आगे बढ़ते हैं और 2 digit with 2 digit करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक तो हम 1 digit के साथ कर रहे थे, अब 2 digit में बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास 2 number है और यहाँ पर भी हमारे पास 2 number है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ना एक ही नंबर लेंगे हम, सबसे पहले ये वाला कर लेते हैं, ठीक है, फिर ये करेंगे, मतलब वर्टिकल वे में। तो इस समय पे ना नॉर्मली मैं बच्चों को यही बोलती हूँ कि आप क्या कीजिए कि आप पेंसिल से इस नंबर को आप कट कर दीजिए, आपको ये नंबर ना दिखना नहीं चाहिए कि आप इससे कर रहे हो, मैं इसको छुपा देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड कर दिया मैंने, अपने इससे हाइड कर दिया एक, तो आपके पास सिर्फ एक ही नंबर बचा है, पहले एक नंबर से आपको इजीली सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 1 4s are 4, जिस तरह हम यहाँ कर रहे थे ना वैसे ही, जैसे हमने यहाँ किया था वैसे ही। 1 4s are 4, 1 1s are 1, ओके, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसको कट कर देंगे और इसको ले लेंगे, 2 है यहाँ पर, तो 2 4s are 8 and 2 1s are 2 करना है। बट ध्यान यहाँ पर क्या रखना है, जो मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं और क्यों मल्टीप्लिकेशन का सम गलत हो जाता है, आप ये चीज़ देखिए कि आपने वंस का प्लेस जो है ना, वंस का प्लेस सॉल्व कर लिया है, वंस का प्लेस सॉल्व कर लिया है, तो ये जो वंस के प्लेस पे नंबर है ना, उस समय आपको यहाँ पर 0 डाल देना है, ये हमने कट कर दिया है। आप यहाँ पर क्रॉस भी डाल सकते हैं या फिर यहाँ पर आप 0 भी डाल सकते हैं, ठीक है। आपने ये जगह कर ली है तो यहाँ पर एक 0 पुट कर देना है, अदरवाइज आप इसको क्रॉस भी कर सकते हैं क्योंकि आपने ये कर लिया है। तो ये एक्टिविटी आप ध्यान रखिए कि इसको भी क्रॉस कर दीजिए और इसको भी क्रॉस कर दीजिए, जिस समय आप इसको करेंगे उसी समय इसके नीचे भी क्रॉस बना देना है, इस नंबर के जस्ट नीचे एक ही बार क्रॉस बनाना है आपको। और अब हम आगे बढ़ेंगे, 2 4s are 8, तो आंसर जो आएगा 8 वो आपको यहाँ लिखना है 1 के नीचे, एंड 2 1s are 2, इसके बाहर निकल जाएगा। मैम बाहर निकल गया, बाहर निकलेगा तो चलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अब प्लेस ज़्यादा हो रहे हैं हमारे पास, वंस टेंस एंड हंड्रेड्स के प्लेस हो रहे हैं, क्योंकि जब भी आप किसी भी डबल डिजिट के नंबर को डबल डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर हंड्रेड्स में भी आ सकते हैं। सो डोंट वरी अगर बाहर निकल रहा है तो, डू इट, ओके। अब 4 plus 0, हम यहाँ पर अब क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन,
तो हम यहाँ पर एडिशन करते हैं, 4 प्लस 0 4, 8 प्लस 1 9, और यहाँ पर 2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब 0 समझ लेते हैं, मतलब कुछ भी नहीं है, और इसको 2 लिखेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह आपको सॉल्व करना है, सेम वे में यहाँ पर भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसमें भी कुछ अलग नहीं है, सेम ही चीज़ यहाँ पर भी होगी। 1 4 ज़ार, सबसे पहले हम ये वाला लेंगे, ये डिजिट कट कर दो, 1 4 ज़ार 4, 1 1 ज़ार 1, हमने वंस का प्लेस कवर कर लिया है, तो यहाँ पर क्या डालोगे आप, इसको भी क्रॉस करना है और इसको भी क्रॉस करना है, अब ये नंबर एक्टिव हो चुका है। सो अब क्या करेंगे, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, बाहर निकल जाएगा, चलेगा, 4 8 प्लस 1 9, और यहाँ पर क्या है, 0, सो 2, सेम आंसर आया। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सेम आता है। स्टार्टिंग स्टेज पे ही आपको क्रॉस करने वाली एक्टिविटी थोड़ी ऑड लगेगी, या फिर आप सोचोगे कि हम क्या कर रहे हैं, बट ये करेंगे तो आपके लिए क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इजी होगा लर्न रखना, कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया, कहाँ पर हमें क्रॉस डालना है, कहाँ पर हमें नहीं डालना है। ठीक है, तो ये मिस्टेक मत कीजिएगा कि यहाँ पर से नंबर स्टार्ट कर दिया लिखना, नहीं, गलत हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा और ईजी लगा होगा। इसके बाद जो टर्न आता है वो मल्टीप्लिकेशन के स्टोरी सम का आता है। स्टोरी सम भी बहुत ही ईजी होता है, और इसकी वीडियो भी मैंने पहले ही डाल दी थी, क्योंकि कई बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा था स्टोरी सम में, तो वो वीडियो देखिएगा आप मल्टीप्लिकेशन स्टोरी सम का, तो आपको स्टोरी सम करना बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। स्टोरी सम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है वो मैं आपको आज बता देती हूँ, कि स्टोरी सम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है रीडिंग का आना। आपको इंग्लिश की रीडिंग बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, और सिर्फ रीड नहीं करना है, रीड करके अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है तो उस पर वर्क कीजिए, क्योंकि स्टोरी सम में प्रॉब्लम तभी आती है हमें, हम क्यों स्टेटमेंट नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हमें रीडिंग सही तरीके से नहीं आती, और हम वो समझ ही नहीं पाते हैं कि सामने वाला हमें बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टोरी सम को परफेक्ट करने के लिए रीडिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस। ठीक है, सो इंग्लिश की रीडिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो कीजिएगा, और अगर टेबल्स लर्न नहीं है तो टेबल्स लर्न कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डिवीज़न के साथ। बाय बाय।